क्या सच में रोल्स रॉयस कार का AC 30 रेफ्रिजरेटर के बराबर कूलिंग करता है? और आखिर किन किन देशों में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक एयरफोर्स पायलट के हेलमेट की कितनी कीमत होती है? इस वीडियो में आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि जिस समय टाइटैनिक डूबा था उस समय लोगों के साथ बहुत से कुत्ते भी सफर कर रहे थे, जिनमें से 3 कुत्ते टाइटैनिक के डूबने के बाद बच गए थे। मार्गरेट हेज और उनके 2 दोस्तों के साथ उनके 3 कुत्ते सफर कर रहे थे, और जिस समय टाइटैनिक जहाज डूबा उस समय ये 3 कुत्ते लाइफ बोट्स पर चढ़ गए थे। फैक्ट नंबर 12, आप में से बहुत से लोगों ने DSLR कैमरे का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जो कि बाकी कैमरों के मुकाबले बहुत ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन अच्छी फोटोज को खींचने के लिए DSLR के अंदर कितने हिस्से काम करते हैं? ये देखिए, एक पूरे DSLR कैमरे को बनाने के लिए इतने पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, इंसानों के द्वारा स्पेस में बहुत से सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। वर्तमान समय में अंतरिक्ष में कुल 4230 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 3000 सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। फैक्ट नंबर 10, आपने एयरफोर्स के बहुत से महंगे महंगे लड़ाकू विमानों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन विमानों के साथ साथ इनके पायलट्स का हेलमेट भी बहुत ही महंगा होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक F-35 नामक हेलमेट है जिसकी कीमत $4,00,000 है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 3,30,00,000 होते हैं, और एयरफोर्स पायलट्स के हेलमेट 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक के आते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान फ्रांसियों के द्वारा जर्मन्स को भटकाने के लिए बहुत से नकली शहर बनाए गए थे? उस समय फ्रांसियों ने नकली पेरिस के साथ नकली आइफल टावर भी बनाया था, जिससे कि वह जर्मन के लड़ाकू विमान के पायलट्स को कंफ्यूज कर सके, और फ्रांसियों के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन सभी नकली शहरों को खत्म कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, अगर कोई जानवर सफेद या काला पैदा होता है तो अपनी मृत्यु तक वह सफेद या काला ही रहता है, लेकिन एक घोड़ों की प्रजाति होती है जिसे कि परचिरोन्स कहा जाता है। ये घोड़े पैदा तो ब्लैक रंग में होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर इनका रंग ग्रे कलर में बदल जाता है। घोड़ों की यह परचिरोन्स प्रजाति फ्रांस में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, हाल ही में द फेडरियल यूनिवर्सिटी ऑफ पराना, जो कि ब्राजील में है, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समुद्र किनारे रिसर्च कर रहे थे, जहां पर इन्हें प्लास्टिक के पत्थर दिखाई दिए। इस रिसर्च में इन्हें ऐसे बहुत से पत्थर मिले जिन पर प्लास्टिक की परतें चढ़ी हुई थी, जिसे वैज्ञानिक आने वाले समय के लिए खतरा मानकर चल रहे हैं, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के द्वारा फैलाए गए कचरे से ऐसा हुआ है। फैक्ट नंबर 6, हाल ही में रिलीज हुई आदिपुरुष मूवी को तो आप सभी ने देखा होगा। इस मूवी के डायलॉग्स को लेकर यह मूवी बहुत ही कंट्रोवर्सी में चल रही है। क्या बवासीर बना दिए हो? लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में जिन थिएटर्स में आदिपुरुष मूवी प्ले की जाएगी, उन सभी थिएटर्स में एक सीट खाली छोड़ी जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है, यानी वो अमर है, इसीलिए सभी थिएटर्स में एक सीट उनके लिए खाली छोड़ी जाएगी। और आपको बता दे कि साउथ की RRR मूवी का बजट 550 करोड़ था, और आदिपुरुष का एस्टिमेटेड बजट 500 करोड़ था, जो कि इसे इंडिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म बनाता है, और केवल इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर ही 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने 1997 में नोकिया 6110 में आने वाला यह स्नेक गेम तो खेला ही होगा, जिसे उस समय 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के द्वारा खेला गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम को कितनी देरी तक खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? एक शख्स ने इस गेम को 61 मिनट 54 सेकंड तक खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आपको बता दे कि आज के समय में पबजी सबसे ज्यादा खेला गया गेम है, जिसे 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने खेला है। फैक्ट नंबर 4, आपने वर्ल्ड के बहुत से बड़े बड़े और डेवलप्ड देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? रोम देश में स्थित वेटिकन सिटी इस दुनिया का ऑफिशियली सबसे छोटा देश है, और इस देश में मात्र 800 लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जापान में 90-95% लोग वाटरप्रूफ फोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जापान में महिलाएं अपने फोन से बहुत ही अटैच होती है, जिस कारण वे अपने फोनों का इस्तेमाल शावर में भी करती है, इसीलिए जापान में मौजूद सभी फोन कंपनियां वाटरप्रूफ फोन सेल करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जो फोन वाटरप्रूफ नहीं है, आप उन फोनों को अब जापान में सेल नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2, आपने रोल्स रॉयस कार के बहुत से फीचर्स के बारे में सुना होगा, और आपने बहुत सी जगह यह भी पढ़ा होगा कि रोल्स रॉयस का AC 30 रेफ्रिजरेटर के बराबर कूलिंग करता है, बट यह सच नहीं है, यह लोगों के द्वारा बनाया गया एक मिथ है। किसी भी कार का AC इतनी कूलिंग नहीं कर सकता,
लेकिन यह बात सच है कि रोल्स रॉयस का एसी बाकी कारों के मुकाबले काफी अच्छी कूलिंग करता है। और आखिर रतन टाटा जी ने कैसे की हजारों कुत्तों की मदद, जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करो और जाओ देखो। फैक्ट नंबर वन, अगर आप कभी दूसरे देश में घूमने जाए और वहाँ की कार्स को देखकर आपको उन्हें चलाने का मन करे तो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके वहाँ की कार्स को चला सकते हैं, क्योंकि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका समेत 18 देशों में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ देशों में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग केवल 6 महीने से 1 साल तक ही कर सकते हैं। वेलकम गोपाल तिवारी टू आवर चैनल।